वेलकम टू माई चैनल महिला तूफान। दोस्तों आज की मेरी वीडियो है संस्कारी बहू के गुण, या यूँ कहें कि संस्कारी बहू के गुण क्या होते हैं, या एक संस्कारी बहू में किस तरह की क्वालिटी पाई जाती है, या एक संस्कारी बहू कैसे बने। तो आज की वीडियो मेरी बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ससुराल में मीठी वाणी बोले, प्रियवादिनी बहू, प्रिय बोलने वाली हो, मीठा बोलने वाली हो, मधुर बोलने वाली हो, कोयल जैसी उसकी वाणी बहुत मधुर हो, धीरे धीरे बोले, रुक रुक कर बोले, उसकी वाणी में मिठास हो, करवाहट ना हो, अपनापन हो, अपनेपन का एहसास हो। दोस्तों वाणी, वचन, मुख से जो भी हम बोलते हैं ये बहुत अहम रखता है। जैसे कहा जाता है कि धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आता, उसी तरह मुख से निकली गई जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वाणी होती है, वो वापस नहीं आते। तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो अगर आप संस्कारी बहू बनना चाहती हैं तो एक बात एकदम गांठ बांध लें और याद रखें कि ससुराल में प्रिय बोलना है, मीठा बोलना है, मधुर बोलना है, और बहुत प्यार से बोलना है, और धीरे धीरे रुक कर बोलना है, धीमी आवाज़ में बोलना है। ऐसी क्वालिटी वाली बहू को संस्कारी बहू माना जाता है। हमारे समाज में ऐसी बहुओं को बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत संस्कारी माना जाता है। तो आप कोशिश करें, या आप जब बहू बन जाती हैं, नई नई बहू रहती हैं, तो ज़रूर मीठा बोलें, प्रिय बोलें, मधुर बोले, और धीरे धीरे बोले, रुक रुक कर बोले, कोयल जैसी बोले। कोयल जैसे बहुत मीठा बोलती है, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हम तरसते हैं। तो अपने आप को ऐसा बनाएं, ऐसे सांचे में ढालें कि आपके मुख से एकदम मीठा वचन निकले, अमृत वाणी निकले, बहुत प्यार से बात करें। तो ये क्वालिटी एक संस्कारी बहू में होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि संस्कारी बहू जो है वो सबों का रिस्पेक्ट करे, आदर करे, बड़े बुजुर्ग का पैर छुए, आशीर्वाद ले। और हमारे यहाँ तो ये भी रीति रिवाज है कि जब एक बहू अपनी सास की पैर छूती है तो वहाँ अगर और महिलाएं हैं जो उनसे, उस बहू से बड़ी हैं, तो उनका सबका पैर छूना होता है। तो अगर आप नहीं जानती हैं, आपकी नई नई शादी होने वाली है या अनमैरिड हैं, तो प्लीज़ आप ससुराल में जाएं, तो जब भी किसी बड़े बुजुर्ग महिला का या अपनी सास का पैर छुए, तो साथ में जितनी और महिलाएँ हैं उन लोगों का भी आप पैर ज़रूर छू कर आशीर्वाद लें, और सबों का रिस्पेक्ट करें, छोटों से प्यार से बात करें, और बड़ों का आशीर्वाद ले, उन्हें रिस्पेक्ट दे, आदर दे, सम्मान दे। अगर कोई बड़ी आपकी सास है या कोई बुज़ुर्ग महिलाएं हैं आपके घर में रहती हैं, दादी सास हैं, तो आप उनका रिस्पेक्ट ज़रूर करें। और वो कुछ भी बोलती हैं, अगर वो पुराने ज़माने की हैं, वो बातें आपको अच्छी नहीं भी लगती, तभी भी आप उनसे बहस ना करें, मतलब उनसे कुछ नहीं बोले, उसे इग्नोर करें, और सबों का रिस्पेक्ट करें, और उनसे भी आशीर्वाद लें। तो इस तरह से संस्कारी बहू के गुण होते हैं। थर्ड पॉइंट है, गृह कार्य में दक्ष। कहने का मतलब है संस्कारी बहू ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होती है जो घर के जो भी कामकाज होते हैं, कपड़े वाश करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, घर साफ़ सुथरा रखना, तो ये घर के जितने भी कार्य होते हैं, मेहमानों का, अतिथियों का सत्कार करना, उन्हें मान देना, सम्मान देना, सबों को प्यार देना, सबों को रिस्पेक्ट देना, आदर करना, और घर भी साफ़ सुथरा अच्छे से रखना, घर का हर कार्य कुशलता से करना, तो इस तरह जो संस्कारी बहू होती है, या आप संस्कारी बहू बनने वाली हैं, तो आपको गृह कार्य में दक्ष होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, और कुशलतापूर्वक आपको कार्य करना चाहिए घर के। संस्कारी बहू में गृह कार्य में कुशलता की जो ये क्वालिटी है, ये भी होनी चाहिए। ये बहुत ही कंपल्सरी क्वालिटी है जो हर लड़की में होनी चाहिए, और विवाह के बाद वो संस्कारी बहू अगर बने या बनना चाहती हैं, तो आप ज़रूर गृह कार्य में दक्ष रहें, हमेशा खुश रहें, खुशी हो या गम। एक संस्कारी बहू का एक क्वालिटी ये भी है कि वो हमेशा खुश रहती है, और हर परिस्थिति में खुश रहती है, और मुस्कुराते हुए अपने सारे कर्तव्य का निर्वाह करती है।
और सबों को खुश रखती है, क्योंकि जो बहू खुद खुश नहीं रहेगी उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग चलते रहेगी तो वो कैसे किसी और को खुशी दे सकती है। तो इसलिए हमेशा स्माइली फेस रख के ससुराल में अगर आपको बसना है, रहना है, आपकी नई नई शादी हुई है, तो मुंह लटकाकर या दुखी होकर मायूस होकर ना रहें। जो भी परिस्थिति, जैसा भी घर आपको मिला हो, आप कोशिश करें कि उसमें आप एडजस्ट करें और उसी में खुशियाँ ढूंढें और खुश रहें। जैसे कि बहुत बड़ा परिवार में अगर आपकी शादी हुई है तो आपको समय नहीं मिल रहा है अपनी देखभाल करने का या अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करने का, तो आप उसी में कोशिश करें कि आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो, आप भी खुश रहें, और जब टाइम मिले तो आप भी अपना चाय नाश्ता समय पे कर ले, लोगों को सेवा करने के साथ साथ, लोगों को देखने के साथ साथ अपना भी आप केयर करें और खुश रहें। क्योंकि एक संस्कारी बहू में ये नहीं है कि वो शवों की सेवा करे, वो खुद भी उसका खुश रहना, पॉजिटिव सोचना बेहद ज़रूरी है। तो आप जब भी बहू बने, संस्कारी बहू बनना चाहती है, अच्छी बहू बनना चाहती हैं, तो ससुराल में आप खुश रहें, खुश रहना सीखें हर परिवेश में, हर परिस्थिति में, ताकि आपके मायके में जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उन्हें भी ऐसा फील हो कि मेरी बेटी जो है वो कितनी समझदार हो गई है, ससुराल में कितने अच्छे तरीके से रह रही है और खुश है। क्योंकि परिस्थितियां, समय जो है वो बदलते रहता है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में खुश रहना है। तो आप खुश ज़रूर रहें। पॉइंट्स हैं कि एक संस्कारी बहू का एक गुण होता है सहनशील हो। संस्कारी बहू जो है वो सहनशील हो, बर्दाश्त करे। जैसे कि बहुत सारी बात ससुराल में सुननी पड़ती हैं, कुछ सासू माँ की बातें सुननी पड़ती हैं, कुछ पति की बातें सुननी पड़ती हैं, कुछ जेठानी की बातें सुननी पड़ती हैं, कुछ ननद की बातें सुननी पड़ती हैं, तो सब कुछ ना कुछ आपको अगर सुनाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आपको सहनशील होना चाहिए, मतलब सह जाना चाहिए। क्योंकि जो सहता नहीं, उस वो घर में बसता नहीं, रहता नहीं। कहने का मतलब, अगर आपको ससुराल में बसना है, रहना है, हमेशा के लिए रहना है, परमानेंट रहना है, वही आपका घर है, तो इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आप जो है सह लो, क्योंकि जो सहता है उसी का लहता है। ऐसे हमारे गांव में या हमारी जो माँ हैं वो कहती थी, तो हम लोगों ने भी बहुत कुछ ससुराल में सहा है और अपना घर बसाया है। तो आप भी सहो और रहो ससुराल में, और मतलब कि सहनशील होना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ससुराल में अगर बसना है तो सहना होगा। और सहने का मतलब ये नहीं कि आप घुट घुट कर जियो, नहीं, ऐसा सहने का मतलब ये है कि आप कोई आपको कुछ सुनाता है कि आपको सब्जी बनानी नहीं आती, खाना बनानी नहीं आती, आपसे कपड़े साफ नहीं होते, या आपको कुछ आता नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ाई करी है और आपको कुछ नहीं आता है, आपको बराबर रिस्पेक्ट करना नहीं आ रहा है, क्या करने चाहिए। जैसे कि बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती हैं जो ससुराल में जाती हैं, तो जैसे सासू माँ नई चूड़ी पहनाई हाथों में, तो उन्हें सासू माँ को प्रणाम करना चाहिए। तो ये सब संस्कार होते हैं, आपको नहीं पता तो आपको वहाँ देखकर सीखना चाहिए। अगर आपको नहीं पता और कोई कहे कि ये कैसे घर से आई है, इसे तो कुछ पता ही नहीं, इसमें कुछ संस्कार नहीं है, तो आपको बुरा नहीं मानना है, उसे इग्नोर करना है और चेहरे पे स्माइल रखना है, और स्माइल रखते हुए अपना काम करते रहना है। कोई कुछ भी कहे, बस अंदर अंदर से आपको खुश रहना है। बाहर से अगर थोड़ी बहुत दुख हो भी, लेकिन अंदर से अपने आप को मजबूत रखना है, बोल्ड रखना है कि सहना है, कि कोई भी कुछ कहे उसका हम पे अंदर तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और डटे रहेंगे, डिगे रहेंगे, जैसे हम और इम्तिहान एग्ज़ाम वगैरह में करते हैं, वैसे ही डट कर, डिग कर और अच्छे से सह कर हमें ससुराल में रहना है। आंधी है, तूफान है, कुछ भी आए, हमें मुस्कुराते हुए झेलना है, झेल जाना है और वहाँ पे बसना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस तरह से आप ससुराल में बस सकती हैं। मैंने जो भी पॉइंट्स दिए हैं उसको अगर आप फॉलो करती हैं तो आप एक संस्कारी बहू बन जाइएगा और ससुराल में बस भी जाइएगा और सबके दिलों में राज भी कीजिए, अपनी सासू माँ का दिल भी जीत लीजिएगा। तो इस तरह से आप मेरे पॉइंट्स को, टिप्स को फॉलो करें और ससुराल में बसने की कोशिश करें, और अगर शादी नहीं हुई तो शादी से डरें नहीं, बस अच्छी बहू बनने की कोशिश करें और आपका विवाह, शादीशुदा लाइफ जो है बहुत अच्छा रहे, हैप्पी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।